अक्षरा और पवन के मामले में हर बार कुछ न कुछ खुलासा हो ही रहा है और इस मामले में हर बार कुछ ऐसा हो जा रहा है जिसको लेकर कई तरीके की बातें सामने आ रही हैं। जी हां, एक बार फिर से अक्षरा और पवन के एक सहयोगी हैं संतोष रेणु यादव, उन्होंने बड़ा खुलासा किया है और कई बातें उन्होंने कही हैं। संतोष रेणु ने पहले जो कुछ भी कहा था हमने आपको अपने कार्यक्रम के तहत दिखाया है, दरअसल वो फेसबुक लाइव आए और उन्होंने तमाम बातें कही। अब संतोष रेणु का क्या कहना है इस मामले पर खुद ही सुन लीजिए। मैं यही बात बोला था उनसे कि आप FIR वापस ले लीजिए, आपको वापस लेनी चाहिए, क्योंकि पवन जी भी कोई गैर इंसान नहीं है और ऐसा नहीं है कि पवन जी बहुत गलत इंसान है, ऐसा नहीं है। पवन जी ने भी इंडस्ट्री को बहुत कुछ दिया है और इंडस्ट्री को पवन सिंह की ज़रूरत है, अक्षरा जी की भी ज़रूरत है, पवन सिंह जी की भी ज़रूरत है, खेसारी लाल यादव की भी ज़रूरत है, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री बहुत छोटी है, बहुत छोटी हमारी इंडस्ट्री है। और अगर इस इंडस्ट्री में लोग आपस में लड़ते रहेंगे झगड़ते रहेंगे तो फिर कहीं ना कहीं हमारी इंडस्ट्री की शिकायत होती है इसमें। क्योंकि ये जो भी बातें जो अक्षरा जी ने जो पवन जी के ऊपर जो लगाया इल्ज़ाम, तो मेरा कहना यही था कि ठीक है अक्षरा जी, आपका कहना है कि पवन जी ने मुझे यूज किया, पवन जी ने मेरे साथ अवैध संबंध बनाए, तो आप उस वक्त कहाँ थी जिस वक्त आपके साथ ऐसा हुआ? या साल दो साल बाद होता है क्या? अब फिर उसके बाद मैंने अक्षरा जी ने आरोप लगाया कि पवन जी छोटे सिंगरों का गाना गाते हैं, तो कौन नहीं गाते हैं बताइए, कौन नहीं गाते हैं, मैं भी गाया हूँ, सब लोग गाए हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पवन जी गाते हैं, सिर्फ खेसारी जी गाते हैं, सिर्फ दिनेश लाल यादव जी गाते हैं, सब लोग गाते हैं, मैं भी गाता हूँ। तो मैं यही बात उनसे बोला था कि पवन सिंह शेर हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के, और शेर अगर एक आध दो शिकार कर लेता है तो कुछ गलत नहीं है। अब इस शब्द को मेरे दूसरे वे में लोग ले लिए, मेरा बस यही शब्द था कि अगर एक आध दो गीत गा भी देते हैं किसी नए सिंगर का या किसी का भी, पवन सिंह जी ने मेरा भी गाना गाया जाया दे जान जगह पर जाता, तो क्या मुझे बहुत बुरा लगा? ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, मैं भी तो उनका गाना गा देता हूँ, और भी सिंगर लोग हैं जो कि उनके कंपोजिशन को उठाते हैं और गाते हैं। तो पवन सिंह जी को लेकर के मैंने यही बात कहा कि एक सम्मानित व्यक्ति हैं और कि थोड़ा सा अगर इधर उधर भी मैटर होता है तो इसको मैनेज किया जाए, मैनेज करके और मैटर को सॉर्ट आउट किया जाए। इस पे ना तो FIR करने की ज़रूरत है ना ऐसा कुछ नहीं, हमारे इंडस्ट्री में ऐसे ऐसे विद्वान लोग हैं कि जिनके पास इस तरह के मैटर को आप रखें, ऐसा नहीं है कि मैटर सॉर्ट आउट नहीं हो जाएगा, उसके लिए आपको कहीं बाहर भटकने की ज़रूरत नहीं है। हमारे इंडस्ट्री इतने विद्वानों से भरी पड़ी है, बहुत सारे विद्वान हैं हमारे इंडस्ट्री में, और पवन सिंह ऐसा नहीं है कि पवन सिंह पर डे कत्ल करते फिर रहे हैं, अगर कत्ल करते फिरते तो पवन सिंह के इतने हजारों और करोड़ों और की संख्या में उनके फ़ैन नहीं होते। पवन सिंह आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है, पवन सिंह की एक अपनी देश विदेश में उनके फ़ैन फॉलोइंग है, ये फ़ैन फॉलोइंग कहीं पैसे से नहीं खरीदी गई है, ये फ़ैन फॉलोइंग के लिए मेहनत करना पड़ता है और उन्होंने इतना मेहनत किया है, उतना पसीना बहाया है भोजपुरी के लिए, उतना जिया है उस इंसान ने। तो हमें तो ऐसा लग रहा है कि जो अभी बिग बॉस में अभी बिग बॉस का सीजन चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बिग बॉस में जाने का प्लानिंग कर रही है अक्षरा सिंह। तो ऐसे किसी को बदनाम करके आप नहीं जाओ ना, जाओ बिग बॉस में अपने टैलेंट के ऊपर जाओ, अपने नेगेटिव टैलेंट के ऊपर नहीं जाओ, पॉजिटिव टैलेंट के ऊपर जाओ और बदनाम नहीं करो किसी को। पवन सिंह कोई ठेला नहीं है, वो रोड़ा नहीं है पवन सिंह, पवन सिंह फूल है। देखिए जो इंसान दिल का होता है साफ ना, जो देखिए जो इंसान को गुस्सा आ रहा है, तो जिसको गुस्सा आया वो समझिए कि दिल का साफ इंसान है, जिसको गुस्सा आता ही नहीं है उसके अंदर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा तूफान छिपा हुआ होता है, बहुत बड़ा तूफान। और चूंकि गुस्सा और प्यार इंसान की प्रकृति में है, पवन सिंह ने जब अक्षरा जी को इतना प्यार दुला दिया तो गुस्सा भी तो सहने का अधिकार अक्षरा जी को ही होगा ना, गुस्सा कौन सा है कि पवन सिंह जी का। और आज जैसे बोलती रहती है मेरा स्टेज ये करना चाहते हैं, मेरा गाना नहीं कहीं से रिलीज होने देना चाहते हैं, अरे अक्षरा जी आपको गाने का हुनर भी तो पवन जी नहीं बताया ना, ये आप कैसे भूल जाती हैं। पहले खेसारी जी
आप पवन जी, आप किसको पकड़ने का इच्छा है, किसको चूना लगाने का प्रयास कर रहे हैं अक्षरा जी? तो सुना आपने, एक तरफ तो वो अक्षरा को कह रहे हैं कि तमाम तरीके की जो बातें कह रही हैं वो प्रसिद्धि के लिए कह रही हैं, उन्हें बिग बॉस जाना है इसलिए इस तरीके की अफवाह फैला रही हैं, और दूसरी तरफ उनका ये कहना है कि पवन सिंह शांत है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो गुनाहगार हैं। जो शांत होता है, बहुत सारी चीज़ों को बर्दाश्त करता है, वो गुनाहगार नहीं भी हो सकता है। कहते हैं कि समुद्र शांत होता है लेकिन उसके अंदर बहुत सारा ज्वार भी होता है, और जब वो ज्वार आता है तो सब कुछ अपने साथ ले जाता है। कई तरीके की बातें उन्होंने कही हैं, और इसको अक्षरा सिंह और पवन सिंह किस तरीके से लेते हैं ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, देखते रहिए नेक्स्ट 9 भोजपुरिया। नमस्कार।